ओके तो तुम लोगों का वापस से स्वागत है एक और नई वीडियो के, वो भी माइनक्राफ्ट के। और यार आज के इस वाले वीडियो पे हम लोग अपना एमएलजी की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हम लोग लास्ट वाले वीडियो पे लेवल 15 तक किए थे। अगर तुम लोग एमएलजी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से जाके चेकआउट करना, यार बहुत ज्यादा मजा आया था। पर आज के इस वाले वीडियो पे हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। पर वेट अ सेकंड, अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यार इस वीडियो को लाइक भी कर देना। हम लोग 100 सब्सक्राइबर्स से बहुत ज्यादा पास है, तो यार प्लीज कर लो। बाकी यहाँ पे वीडियो को चालू करते हैं, लेट्स गो। ओके तो यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्टेज में, जो कि होने वाला है स्टेज नंबर 16। और वेट अ सेकंड, हम लोग को यहाँ पे हॉर्स लिखा होगा। और वेट अ सेकंड, हम लोग को यहाँ पे हॉर्स वाला एमएलजी करना है, जो हम लोग लास्ट वाले वीडियो में कैमल के साथ किए थे। अगर तुम लोग लास्ट वाला मिथबस्टर वाला वीडियो नहीं देखे हो तो यार जरूर से चेकआउट करना, बहुत ज़्यादा सपोर्ट आया था उसमें। बाकी यहाँ पे ट्राई मारते हैं होता है कि नहीं। और वेट अ सेकंड, वहाँ पे तो एक बार में हो गया था यार, इतना आसान है ये वाला क्लच करना। हम लोग एक और बार ट्राई करते हैं और देखते हैं होता है कि नहीं, लेट्स गो। ओके तो यहाँ से लगाते हैं जंप, और यार इस बार हो जाना चाहिए, लेट्स सी। और वेट अ सेकंड, ये वाला आराम से हो चुका है, वो भी सेकंड टाइम में, जो बहुत ज़्यादा ईजी है। हम लोग इसको ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेज में, लेट्स गो। ओके पर वेट अ सेकंड, जाने से पहले इसको आज़ाद कर देते हैं, यार इसने मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, सेकंड टाइम में ही हो गया यार एमएलजी। यहाँ से चलते हम लोग नेक्स्ट स्टेज में, जो कि होने वाला है स्टेज नंबर 17। कैक्टस लिखा हुआ है यार, इसमें हम लोग कैक्टस से क्या कर सकते हैं यार, ये वाला एमएलजी मैं आज तक नहीं किया हूँ। आई थिंक हम लोगों को कैक्टस के ऊपर जंप करना है, और वेटी एमएलजी ऐसे करना था आई थिंक सो। पर वेट अ सेकंड, मेरे को नहीं लगता इस एमएलजी को ऐसा करना चाहिए। हम लोग यहाँ पे अपने आप को खुद से मारते हैं और एक और बार ट्राई करते हैं। हम लोग इस बार कैक्टस के ऊपर जंप करने वाले हैं, लेट्स गो। आई थिंक सो इस बार जंप होने चाहिए वो छोटे वाले पे। और वेट अ सेकंड, मैंने डब्लू तो कुछ ज़्यादा ही दबा दिया यार, एक और बार ट्राई करते हैं। और वेट, इस बार लैंड हो चुका था ऊपर, मैं हाफ एचपी पे लैंड हुआ, जिसकी वजह से कैक्टस ने मुझे मार दिया। ऊपर वाले पे जंप करते हैं। और वेट अ सेकंड, वाला एमएलजी हो चुका है, वो भी हार्ड एचपी में यार। अगर मेरी हार्ड एचपी भी चली जाती तो ये वाला एमएलजी नहीं हो पाता। कोई ना, ये वाला एमएलजी तो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेज की ओर। ओके नेक्स्ट स्टेज, स्टेज नंबर 18। और स्कार्फ होल्डिंग, ये वाला मैंने पहले एक दो बार ट्राई किया है, जिसमें हम लोगों को स्कार्फ होल्डिंग को प्लेस करना है, और या हम लोग को शिफ्ट भी दबाना होगा उसी समय, या फिर हम लोग जंप भी दबा सकते हैं। कोई नहीं, एक बार ट्राई करते हैं। और वेट अ सेकंड, मैंने प्लेस तो कर दिया पर मैंने शिफ्ट नहीं दबा पाया, एक और बार ट्राई करते हैं। या इसको मैं कुछ ज़्यादा ही दूर प्लेस कर दिया इस बार पक्का, और लेट्स गो। ये वाला भी क्लच हो चुका है, वो भी आराम से, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी कभी ना कभी तो ट्राई किया ही है। यहाँ से चलते हम लोग नेक्स्ट स्टेज की ओर, लेट्स गो। ओके तो हम लोगों का नेक्स्ट स्टेज 19, जो कि है बो एरो। या इस वाले स्टेज में हम लोगों को क्या करना है, क्या हम लोगों को बो को कहीं फेंकना है जिसकी वजह से नीचे हेबल आ जाएगा। वेट अ सेकंड, पीछे कुछ लिखा है। ओके एम एंड शूट एरो टूवर्ड्स ग्राउंड वाइल फॉलिंग, हम लोगों को नीचे देखते हुए शूट करना है, वो भी वेट अ सेकंड, हम लोगों को एम पे नहीं, हम लोगों को अपने आप के ऊपर शूट करना है। आई थिंक सो धीरे से करना है। और वेट, हम लोगों को ऐसे ही करते हुए नीचे पहुँचना है, या ये कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट होने वाला है। लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल तो नहीं हो पा रहा, मेरे को लगा नॉर्मल तो मैं पहुँच जाऊँगा, तो हम लोगों को वेट अ सेकंड, ये क्या स्कैम था, हम लोगों को तो एरो ही नहीं मिला, ये ना हम लोगों को बो दिया ना एरो, यार वेट अ सेकंड, एक और बार ट्राई करते हैं। एक पहले टाइम में तो हुआ था यार, इस बार हो जाए। और मेरे को पता है तुम लोगों को इस बार बहुत ज़्यादा डेथ देखने को मिलने वाला है, यार तुम लोग देखते रहो। और वेट अ सेकंड यार, हाफ एचपी में ये वाला क्लच हो चुका है, और यार ये तुम लोग मेरा थोड़ा सा ही डेथ्स देखे हो, मैंने तो बहुत ज़्यादा डेथ्स को काट दिया होगा अभी तक। बाकी ये वाला स्टेज तो कंप्लीट हो गया, यहाँ से चलते हम लोग नेक्स्ट स्टेज में, लेट्स गो। ओके नेक्स्ट स्टेज, स्टेज नंबर 20, जो कि है सैडल क्लच। और वेट अ सेकंड, हम लोगों को पिक को ऊपर लाना है, फिर उसको सैडल पहनाना है, उसके बाद हम लोगों को क्लच करना है आई थिंक सो। यार ये कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट नहीं हो रहा, इतना तो प्रो मैं नहीं हूँ, यहाँ पे एक ट्राई लेते हैं। और वेट अ सेकंड, पिक ऊपर क्यों नहीं आ रहा, आई थिंक सो मैंने गलत बटन दबा दिया, एक और बार ट्राई देते हैं। और यार ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है कि पिक फंसने भी तो चाहिए, जो फंसते ही नहीं है यार। हम लोगों को पहले पिक को पूरा फंसाना होगा, उसके बाद ऊपर की तरफ एम करना होगा आई थिंक सो, फिर उसको बुलाते हैं ऊपर, जिसकी वजह से वो ऊपर आए। और वेट अ सेकंड, फिर से ऊपर नहीं आया, यार ये कुछ ग्लिच तो नहीं हो रहा मेरे माइनक्राफ्ट के साथ, यार 1.20 में बहुत ज़्यादा ग्लिचेस आए हुए हैं। या यहाँ पे एक और बार ट्राई करते हैं, इस बार मैं दूसरा बटन दबाने वाला हूँ और देखते हैं ये ऊपर आता है कि नहीं। ओके वेट, ये ऊपर आया और यही सैडल पहन के नीचे चला गया। और वेट अ सेकंड, हम लोगों को और सैडल नहीं मिला है, तो हम लोगों को इसको बुलाना पड़ेगा बार बार।
और वेट अ सेकंड, ये तो कैच ही नहीं हो रहा अब। आई थिंक सो जो पिक सैलल पहन लिया वो कैच नहीं हो सकता, तो हम लोगों को आई थिंक सो वापस स्पेशल प्लेट में रख के एक और सैडल लेना पड़ेगा यार, लेट्स गो। ओके ये ऊपर इसको पहनाते हैं, और वेट अ सेकंड, ये तो ऐसे ही नीचे चला गया है। ओह नो, पर वेट अ सेकंड, एक आइडिया आया है। इसने कहा है कि हम लोगों को सैडल पहनाना है और उसके बाद हम लोगों को क्लच करना है, तो मैंने तो पिक को सैडल पहना दिया है, तो आई थिंक सो मैं उसके ऊपर जंप करके क्लच कर सकता हूँ। या ये मैंने रूल्स को ब्रेक नहीं किया है, और वेट अ सेकंड, ऐसा भी होना चाहिए या ये चीज़ तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा यार। आई थिंक सो मेरे को 2 से 3 ट्राई लगने वाला है। ओके ये लास्ट ट्राई, इस बार हो जाना चाहिए, लेट्स सी। और वेट अ सेकंड, हो गया यार, इट्स ईजी यार, बहुत ज़्यादा ही ट्राई लग गया, मतलब 5 से 6 ट्राई में ये हो चुका है, और ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि ये लोग फंसते ही नहीं थे जिसके ऊपर सैडल लग गया है। कोई ना, ये वाला लेवल कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेवल की ओर, लेट्स गो। पर वेट अ सेकंड, जाने से पहले इस लाल वाले बटन को दबाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इन लोग ने मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेज की ओर, लेट्स गो। ओके नेक्स्ट स्टेज, जो कि यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इस बटन का करना क्या है? और वेट अ सेकंड, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेस द बटन टू समन अ TNT एंड सी इट्स एक्सप्लोजिंग टाइम। ओ वेट अ सेकंड, हम लोगों को यहाँ पे TNT स्पॉन करना है और टाइम के हिसाब से नीचे गिरना है, जिसकी वजह से हम लोग को TNT का डैमेज लगे, फॉल डैमेज का नहीं, जो आई थिंक सो बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। ट्राई करते हैं, लेट्स गो। अब यहाँ पे हम लोगों को जंप करना है, और वेट अ सेकंड, ये सेकंड ट्राई में कैसे हो गया? हाँ मेरे को खुद नहीं पता ये चीज़ सेकंड ट्राई में कैसे हो गया, मेरे को लगा कुछ ज़्यादा ही ट्राई लेने वाला है, पर कोई ना, ये सेकंड ट्राई में हो चुका है। तो यहाँ से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेज में, जो कि है स्टेज नंबर 22। पर वेट अ सेकंड, हम लोगों को इस स्टेज में करना क्या है? ओ वेट अ सेकंड, हम लोगों को मिड एयर में हे ब्लॉक बनाना है और उसको प्लेस कर देना है गिरने से पहले, जो आई थिंक सो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। पर वेट, ये BU क्या है यार, इसको हटाते हैं। और वेट अ सेकंड, हेबल की रेसिपी में तो हर जगह हम लोगों को हेबल लगाना पड़ेगा यार, ये वाला स्टेज तो ज़्यादा ही डिफिकल्ट है, और मुझे नहीं लगता कि ये मुझे होने वाला है। पर वेट अ सेकंड, हम लोगों को मिड एयर में क्राफ्ट करना है ना, तो हम लोग तो यहाँ से भी क्राफ्ट कर सकते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल टच करूँ तो ये तो खुलने ही वाला है, तो यार हम लोग यहाँ पे हेबल क्राफ्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग नीचे जंप करने वाले हैं, क्योंकि मैं तो एक तरीके से मिड एयर पर ही क्राफ्ट कर रहा हूँ ना। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, लेट्स सी। तुम लोग यहाँ पे देखो कि मेरा पूरा पैर मिड एयर में, मतलब मैं एयर में खड़े होकर क्राफ्टिंग किया हूँ, मतलब मैं आराम से इसको जम करके प्लेस करके ये वाला चैलेंज भी कंप्लीट कर सकता हूँ, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, और इसमें तो मैं प्रो हुई। तो यार ये वाला स्टेज तो बहुत ज़्यादा आराम से कम्प्लीट हो चुका है, कोई किसी को कुछ मत बताना। बाकी यहाँ पे चलते स्टेज नंबर 22, ब्लॉक लेडर क्लच। वेट अ सेकंड, हम लोग को ब्लॉक प्लेस करना है, फिर लेडर भी प्लेस करना है, उसके बाद हम लोगों को क्लच करना है। यार ये कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट नहीं हो गया? आई थिंक सो मैंने अपना सारा कुछ कंप्लीट कर चुका है। हम लोग लॉबी जाके एक बार चेक करते हैं, लेट्स गो, यहाँ से चलते हैं हम लोग लॉबी। ओके एज आई सेड, मैंने यहाँ पे कहा था कि मैंने यहाँ पे सारा MLG कर दिया, और ये वाला जो MLG है ये इम्पॉसिबल MLG है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये पूरा लेवल मैंने कंप्लीट कर दिया, और यार ये वाला है, तुम लोग यहाँ पे मैंने इस बटन को प्लेस किया, तुम लोग देख सकते हो स्टेज नंबर 23 ब्लॉक लेदर क्लच। यार ये वाला बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और ये तो मैं कंफर्म बता रहा हूँ मुझसे बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो यार इसी को यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की इस वाली इस वीडियो के लिए, बस इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।